हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर डिज़ाइन, जो कि आप किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। जेंट स्वेटर, लेडीज जैकेट और ये पट्टी में भी डाली जा सकती है, और ये डिज़ाइन आप कैप में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है डालने के बाद। और कैसे बनाते हैं इस डिज़ाइन को, देखिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो ये बॉर्डर डिज़ाइन है, इसमें मैंने 18 फंदे डाले हैं, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह से बनता है। तो देखिए, फंदे डालने के बाद हमें जो पहली रो है वो हमें सीधी सीधी बना लेनी है। देखिए, पहली जो सिलाई है हम पूरी सीधी ही बना लेंगे। पूरी सिलाई जो है हम ये सीधी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से लास्ट वाला फंदा। अब देखिए, ये हमारी दूसरी रो है और उल्टी रो है, और ये वाली जो उल्टी रो बनानी है ये भी हमें सीधी ही बनानी है। ये रो हमारी उल्टी है, लेकिन इसको भी हमें सीधा ही बनाना है। देखिए, इस तरीके से हम सीधा सीधा बुन देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। सीधी सीधी रो बुन लेंगे ये वाली। अब देखिए, ये तीसरी सिलाई है और डिज़ाइन की ये पहली सिलाई है। अब देखिए, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, या आप बुन भी सकते हैं। अब देखिए, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया और दूसरा फंदा बुना, फिर हमने ये देखिए तीसरा फंदा बुना। अब डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ से है, तो दो फंदे बुनने के बाद जो ये नीचे हमारी जो हमने उल्टा उल्टा बनाया था, सीधे उल्टा उल्टा बनाया था उल्टे की साइड से, देखिए ये वाला यहाँ से उठा के हम इसके साथ में ऐसे लगा लेंगे। फिर से हम देखिए दो फंदे बुनेंगे। अब हमारा डिज़ाइन जो है दो दो फंदों का ही है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो इसकी उल्टे की नोट सी दिखाई दे रही है, इसको हम ऐसे सिलाई पे लेके डाल लेंगे। फिर से एक दो दो फंदे बुने, फिर हम अपना ये उठाएंगे यहाँ से और इस पर ऐसे इसके सामने लगा लेंगे। अब देखिए, फिर से एक और दो, इस तरह से हम लगा लेंगे एक। ये हमें दूसरे फंदे के साथ करना है, दूसरा फंदा बुनने के बाद करना है ये वाला जो प्रोसीजर है हमारा। इस तरह से एक दो, ये देखिए, एक और दो, देखिए, और लास्ट का फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगर हम दो के मल्टीपल से फंदे लेंगे तो एक फंदा हमारा पहले हो जाएगा जो हमने ऐसे ही उतारा है, और एक फंदा हमारा लास्ट में हो जाएगा, तो हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। अब देखिए, ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। पहली सिलाई में हमने ये वाला डिज़ाइन डाला और दूसरी ये है, और वैसे जो स्टार्टिंग से लगाएंगे, जैसे कि दो सिलाई हमने बुनी थी बॉर्डर डालने के बाद, तो ये हमारी चौथी सिलाई है। तो अब देखिए, ये वाला फंदा
हमने ऐसी बिना बुना ले लिया, क्योंकि हमने पहले भी बिना बुनाई लिया था। आपकी मर्जी, आप बुन भी सकते हैं। अब देखिए धागा हम पीछे कर लेंगे, और इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा कि एक तो दो जोड़ों में फंदा है, जोड़े में, और एक सिंगल में है। तो देखिए पहला फंदा हमारा जोड़े में है, दोनों साइड पहला फंदा हमारा जोड़े में ही होगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हम इन फंदों को इस तरह से बुन लेंगे, हमें इसी साइड से बुनने हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से ऐसे हम इनको बुन लेंगे। ये हमारे डिजाइन की दूसरी रो है। ये देखिए इस तरीके से एक बार हमारा जोड़े वाला फंदा आएगा, एक बार हमारा सिंगल फंदा आएगा। आप देखिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें हमारा पहला जो फंदा है ये वाला, यहाँ से जो लास्ट के जो दो फंदे बचे हैं, तो इसमें ये वाला फंदा हमारा डबल वाला था और ये सिंगल वाला था। तो लास्ट की जो रो है उसमें हमें, लास्ट की जो तीन फंदे हैं उसमें हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा फंदा डबल था। अब देखिए हमारा ये वाला फंदा डबल है और ये वाला फंदा हमारा सिंगल है, ये वाला। तो देखिए इसमें हमारा ये वाला फंदा डबल है, ये वाला फंदा ये डबल है, यहाँ पे हमने दो को बुना है, और ये हमारा सिंगल है। तो देखिए अब हम इसको ऐसे उतार लेंगे तो डिज़ाइन हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा। अब की बार हमें इसे पलटना है, प्रोसीजर वही है पर इसको हमें पलटना है। तो कैसे पलटते हैं, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आपने तीन फंदे लास्ट में देखे तो उसमें डबल फंदा कौन सा था जो हमने डबल बुना है। अब देखिए यहाँ से ये हमने उतार लिया, ये हमारा सिंगल फंदा है और ये हमारा डबल है। तो जो सिंगल फंदा है उसको हम ऐसे बुन लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में अपना डिज़ाइन सेट कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये हमारा दूसरा फंदा मानना है, अब हमें ये हमारा एच स्टिच वाला फंदा है और ये दूसरा। अब देखिए यहाँ से हम अपना धागा देखिए इस तरह से, ये हमारा जो हमने साइड में बिना बुना फंदा है, और अब हम धागे को पीछे कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा पहला फंदा है और ये सिंगल फंदा है और ये हमारा डबल। हमने देखा था कि तीन फंदे जब हमारे पास थे तो इसमें ये डबल था। अब इसको हम बुन लेंगे। अब देखिए ये सिंगल फंदा जो आएगा उसका हम यहाँ धागा ऐसे उतार लेंगे और जो डबल फंदा है उसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे पे हमें फिर ये प्रोसीजर करना है, हर दूसरे फंदे पे। अब देखिए ये फंदा हमने बुन लिया या ऐसे ही उतार लिया, तो दूसरे फंदे पे ये प्रोसीजर किया। अब हमने फिर एक ऐसे ही उतार ली, बुन लिया और इस पे ये प्रोसीजर किया। आप देखिए अब हमारा जो हिसाब रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। सिंगल फंदा, ये जो डबल फंदे हैं वो हमारे बुने जा रहे हैं, और जो सिंगल है ये देखिए ये सिंगल फंदा है, तो इस काम डबल कर इस तरह से। तो एक बार आप स्टार्टिंग में देख लेंगे तो फिर ये बिल्कुल डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि जिस फंदे पे हमने ये प्रोसीजर पिछली रो में किया है उस पर हमें इस बार नहीं करना, जिस पर ये नहीं किया उस पर करना है। देखिए जिसका हमने ये नीचे से धागा नहीं उठाया, इसी तरीके से एक और दो, देखिए दूसरे फंदे का यहाँ से एक दो, देखिए अब हम ऐसे एक और दो, देखिए यहाँ से हमने ऐसे कर लिया। अब एक और ये दूसरा, अब हमें यहाँ नीचे चढ़ाना है लास्ट में ये फंदा। अब देखिए हमने ये फंदा ऐसे बुना और उस पर किया, और अब हमें यहाँ से ये देखिए इस बार हमारा ये यहाँ पे है फंदा डबल। तो अभी तो हमें खैर इसका ध्यान नहीं रखना क्योंकि अभी तो हमें डबल बुनने हैं, तो लास्ट की सिलाई उसमें लास्ट में हमें देखना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से धागे को हम पीछे कर लेंगे, देखिए इस तरीके से एक बार डबल, ये पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। मैं आपको फिर से लास्ट में दिखाती हूँ। देखिए
अब ये लास्ट के फंदे हैं, तो इसमें हमें पहले से ही ध्यान रखना है कि ये वाला हमारा डबल फंदा है। तो जैसे ही हम सीधा फंदा, ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया है साइड में डिज़ाइन की पट्टी, मतलब कि किनारी सही रहे जिससे, तो ये वाला फंदा के साथ ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा फंदा है, क्योंकि इस बार हमें जो धागा उठाना है वो उस फंदे का उठाना है जो सिंगल था। तो देखिए अब हमारा ये वाला फंदा डबल है, इस तरीके से। तो देखिए ये सीधी तरफ है हमारी, तो ये हम बुन लेंगे, वो ऐसे ही उतार लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये हमारा डबल था, ये वाला डबल था इधर जब हमने देखा था, तो ये वाला डबल था। तो इसको हम, अगर आप वैसे देखना चाहें तो वैसे भी पता चल जाएगा इसका, यहाँ पे आपको डबल धागा नज़र आएगा। ऐसे करके देख लेंगे तो ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये देखिए ऐसे पता चल जाएगा। तो इसको हम बुन लेंगे, देखिए इसको हमने बुन लिया, और ये जो दूसरा फंदा है इसका धागा इस बार उठा लेंगे। तो बस यही इसका डिज़ाइन है, ये देखिए अब की बार खुद से ही सेट हो जाएगा ये डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट में ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डबल फंदा कौन सा है। ये देखिए अब हमारा ये वाला डबल फंदा है, एक फंदा छोड़ के ये वाला एक्स्ट्रा फंदे के साथ जो फंदा है इससे हमारा ये तीसरा फंदा है। तो देखिए बस यही आपको हर लास्ट की सिलाई में ध्यान रखना है और अपने डिज़ाइन को शुरू करना है। देखिए इसमें जितनी भी सिलाइयाँ हैं आपकी सभी रो सीधी सीधी साइड से ही बननी है। अब देखिए ये वाला फंदा है जो हमारा डबल है और ये हमारा सिंगल है। देखिए अब ये सिंगल फंदा है तो इसी का ही हम यहाँ से उठा लेंगे इस तरह से। अब फिर से हमारी यही पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए डबल फंदा सिंगल, फिर एक फंदा, फिर तीसरे फंदे के साथ उठाना है हमें। देखिए इसी तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। अब थोड़ा सा बनाने के बाद ये डिज़ाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये बॉर्डर बनाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।